हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जैसा कि आपने सी में यूज किया है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, एस्ट्रिस, स्लैश, बैक स्लैश और परसेंट साइन। ठीक वैसे ही जैसे हमने सी में यूज किया, सी प्लस प्लस में भी हम उनको वैसे ही यूज करते हैं। इस प्रोग्राम में हम देखें उन ऑपरेटर्स को, उनका रोल हम देखने के लिए दो इंटीजर वैल्यू का यूज करेंगे, कीबोर्ड से लेंगे। आप सी में यूज करते थे हेडर फाइल्स, हैज इंक्लूड करके सबसे पहले आप लिखते थे stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। यहां सी प्लस प्लस में उसके जगह आप लोगे iostream.h, फुल फॉर्म क्या होता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल। दूसरा कोनियो डॉट एच आप वहां भी लेते थे, यहां भी ले लीजिए, क्योंकि आप क्लियर स्क्रीन फंक्शन गेट सी एच यूज करेंगे तो आपको इस हेडर फाइल की जरूरत पड़ेगी और सी के वो सभी फाइलें यहां पे हैं। तो हैज इनपुट दूसरा हेडर फाइल आपने लिया कोनियो डॉट एच। सी की तरह सी प्लस प्लस में भी प्रोग्राम मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है और सी में मेन फंक्शन बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू रिटर्न करती है, सी में मेन फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, अनसर्टेन गार्बेज वैल्यू, और सी प्लस प्लस में क्या रिटर्न करता है, इंटीजर वैल्यू। तो आप यहाँ पे इंट लिख सकते हैं, लेकिन अगर इंट लिखोगे तो यहाँ पे रिटर्न जीरो लिखना पड़ेगा लास्ट स्टेटमेंट। हमने यहाँ वाइट इंट दिया ताकि हम चाहते हैं कि मेन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न न करे। अब आपको दो नंबर्स के बीच में सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करना है, शो करना है, तो नंबर्स को होल्ड करने के लिए कुछ वेरिएबल्स दैट मींस मेमोरी के रिजर्व स्पेस हमको चाहिए। ए और बी और सी तीन इंटीजर वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल्स का क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन हो रहा है। क्लियर स्क्रीन clr/str फंक्शन हमने यूज किया है ताकि हर बार आप आउटपुट देखें तो पुराना आउटपुट हमको स्क्रीन पे दिखाई न दे। सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो दो बार लेन देन का जो साइन है, जिसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर या पुट टू ऑपरेटर। ये सी आउट एक स्टैंडर्ड आउटपुट ऑब्जेक्ट है जो इंसर्शन ऑपरेटर के हेल्प से हम यहाँ जो कुछ भी डबल कोट में देंगे उसे मॉनिटर स्क्रीन पे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। यहाँ लिखा हुआ आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने बैक स्लैश एन लगा दिया है ताकि नंबर आप कर्सर नीचे रहे इतना लिखे होने के बाद और जो आप कीबोर्ड से वैल्यू देंगे वो नए लाइन में लिखाई। जैसे मैंने आउटपुट दिखाते गया यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर लिखा आएगा और कर्सर नीचे आएगा, सपोज आपने सेवन दिया। सेवन कैसे दे दिया, क्योंकि इसके ठीक नीचे आपने सी इन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ये स्कैनर फंक्शन जो सी पे यूज करते हैं उसके बदले आया है। ये एक ऐसा इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट है जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर या गेट फ्रॉम ऑपरेटर, डबल ग्रेटर देन साइन को बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर या गेट फ्रॉम ऑपरेटर के हेल्प से कीबोर्ड से जो वैल्यू दोगे वो ए नाम के वेरिएबल के जगह पे मेमोरी में रख देगा। आपने सेवन दिया, ए पे रखा गया। ऐसे ही फिर से लिखा हुआ है सी आउट डबल कोट में एंटर सेकंड नंबर, कर्सर नीचे रहेगा, बैकस्लैश एन है। सपोज आप सी इन के हेल्प से नया वैल्यू दिए जो बी में गया, वो वैल्यू क्या है आपका, थ्री। अब यहां आपने ए प्लस बी, प्लस ऑपरेटर यूज किया है, ए और बी की वैल्यू जो कि सेवन और थ्री है प्लस होकर के टेन सी में जाएगा। अब यहां आप प्रिंट करा दिए सम ऑफ गिवन नंबर्स इक्वल टू, डबल कोट में एज इट इज ऐसे लिखा है सम ऑफ गिवन नंबर्स इक्वल टू और आगे हमने लिखा है सी, वेरिएबल का नाम जिसमें रिजल्ट रखा हुआ है। तो इक्वल टू के बाद सी में जो टोटल टेन आ गया, उसके बाद फिर से हमने क्या किया, दो बार लेस देन का साइन, डबल कोट में किया है बैक स्लैश एन ताकि कर्सर नीचे चला जाए। आगे ए माइनस बी की है तो सेवन माइनस थ्री सी में जाएगा फोर, यहां लिख दिए हम ए माइनस बी इज इक्वल टू, तो ये एच डी जाएगा और रिजल्ट सी में फोर आ गया आपका। नेक्स्ट है ए एस्ट्रिस बी, ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, सेवन और थ्री का इंटू होगा, 21 सी में चला गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी इक्वल टू, फिर से डबल कोट में एच डी जाएगा और रिजल्ट आएगा आगे सी लिखा आपने 21, फिर न्यू लाइन कैरेक्टर,
ए डिवाइडेड बाय बी, 7 डिवाइडेड बाय 3, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ये ए और बी इंटीजर्स है, सी की जो रिजल्ट होल्ड कर रहा हो भी क्या है इंटीजर है, तो पॉइंट में रिजल्ट ये नहीं रखेगा, सी में क्या आएगा 2, और ये ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू, डबल कोट में रखा हुआ है ये पूरा लिखा है, और सी में रिजल्ट कितना है 2 पॉइंट समथिंग में से केवल 2 को होल्ड किया, इंटीजर वेरिएबल है 2 को आपको प्रिंट करेगा। ए मॉड्यूलर डिवीजन बी, 7 को 3 से मॉड्यूलर डिवीजन करोगे तो 3 टू जा 6 1 रिमाइंडर रह जाएगा, सी में आएगा 1, ए मॉड्यूलर डिवीजन बी इज इक्वल टू सी की वैल्यू 1 आपका प्रिंट होगा। गेट सी एच एक करेक्टर कुछ भी की दबाते तक के होल्ड करके रखता है ताकि आप आउटपुट पूरा देख सकें। तो ये आपका इनिशियल प्रोग्राम है, सी से कंपेयर करके देखो, जहां प्रिंट एप यूज करते थे वहां सी आउट अपडेट यूज कर रहे हैं, जहां पे स्कैन एप यूज करते थे वहां क्या यूज किए सी इन अपडेट यूज किए, जो परसेंट डी परसेंट सी फॉर्मेट स्पेसिफायर लेते थे यहां सी प्लस प्लस लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही बाकी प्रोग्राम जो आपने सी में किए उसको भी क्या कर सकते हो सी प्लस प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं।